करते हैं 9th क्लास का एक नया चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। इसका दैट इज द फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। हम बात कर रहे हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। एक तो फोर्स के बारे में बात करेंगे, फोर्स के बारे में सब जानते हैं, है ना, जॉन अब्राहम था इसमें, चलिए ये बात तो बहुत अच्छी बात है, सबको पता। लेकिन लॉ ऑफ मोशन क्या है, यानी मोशन के कुछ लॉ, मोशन के सिद्धांत, ठीक है जी। तो मोशन के सिद्धांत तो बाद में पता चलेंगे, पहले तो यही पता चल जाए मोशन क्या है। इससे पहले फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो फोर्स क्या, फोर्स इज नथिंग, इट इज अ, फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स क्या है, फोर्स इज जो है सिर्फ पुश या पुल, पुश या पुल। देखिए जो मार्कर, अब मैंने क्या किया इसको पुश किया तो ये फोर्स, अब मैंने क्या किया इसको यहाँ से पुल किया तो ये क्या है फोर्स है, यानी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई। तो यानी जब इसके ऊपर फोर्स लग रही है तो एक चीज दिखाई दे रही है कि उसी के कारण इसके अंदर क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, यानी कि मोशन क्रिएट हो रहा है, यानी कि फोर्स कैन क्रिएट अ मोशन इन ए ऑब्जेक्ट। ओके ओके ठीक है, छोटी सी बात समझ आई। लॉ ऑफ मोशन के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता चलिए मोशन क्या चीज होती है। तो मोशन को देखिए सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम लोग जनरली पढ़ते हैं तो मोशन का मतलब कि मूवमेंट, द मूवमेंट्स इन बॉडी पार्ट इज कॉल्ड द मोशन, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, जब फिजिक्स के रिस्पेक्ट से हम मोशन के बारे में बात करते हैं तो इसी में एक टर्म और आती है लोकोमोशन। तो मोशन और लोकोमोशन फिजिक्स के हिसाब से दोनों सेम चीज है, बायोलॉजी के रिस्पेक्ट में तो अलग है। जैसे प्लांट्स के अंदर क्या होता है, पेड़ पौधे, हवाएं जो चलती है तो उनके कारण लीव्स हिलती है, टहनियां हिलती है, तो ये मोशन हो, अपनी जगह से तो चाहिए, अपनी जगह तो शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन एनिमल्स में क्या, उनके बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट होती है, साथ साथ उनके दिखे पोजिशन भी चेंज होगी, आपके स्क्रीन के ऊपर एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा हूँ, यानी कि मूवमेंट भी हो रहा है, लोकेशन भी चेंज हो रही है, दिस इज कॉल्ड द लोकोमोशन। तो बायोलॉजी के रिस्पेक्ट से मोशन लोकोमोशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, मोशन और लोकोमोशन दोनों सेम ही चीज है। तो मूवमेंट इन बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड द मोशन। और थोड़ा टेक्निकली देखते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन हो रही है या नहीं हो रही। तो हम कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहलाता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन when it changes its position, जब वो अपनी पोजिशन चेंज करता है, and it changes its position with respect to a fixed point, या फिर reference point। कोई भी object अपनी position change कर रहा है फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट्स में या फिर रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट्स में। मान लीजिए अभी सेम टाइम हो रहा है 4:15 हो रहे, यहाँ पर एक पेड़ है और यहीं पर एक गाड़ी खड़ी, 2 मिनट बाद हमने क्या देखा, गाड़ी यहाँ से यहाँ पर चली गई लेकिन वो पेड़ अभी भी 4:17 पर यहीं पर है। यानी कि एक टाइम था जब दोनों सेम पोजिशन पर थे, बट आफ्टर 2 मिनट्स व्हाट हैपेंड, कि वो अपनी पोजिशन से आगे चला गया, यानी कि इसका मतलब कार इज सेट टू बी इन मोशन क्योंकि वो अपनी पोजीशन से आगे गया। कैसे पता चला, क्योंकि पेड़ अभी वहीं पर 4:15 मैंने टाइम नोट किया, लोकेशन नोट करी है, यानी पेड़ क्या है, ट्री क्या है, ये फिक्स पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है, समझे, दिस इज अ फिक्स पॉइंट रेफरेंस। तो उसके रिस्पेक्ट से हमने देखा कि उस वो तो अपनी पोजीशनिंग चेंज हो चुकी है कार की, तो इसका मतलब वो मोशन में है, ठीक है। तो द कार इज सेट टू बी इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन कंटीन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट, इन फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट। अब हम फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, अब पुश और पुल, अब पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड द फोर्स, वही हमारे यहाँ पर क्या कहलाती है बच्चों, फोर्स कहलाती है, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि फोर्स मेरे पास यहाँ पर दो तरीके, एक होती है मेरे पास बैलेंस फोर्स और दूसरी है अनबैलेंस फोर्स। एक बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस फोर्स। देखिए बैलेंस फोर्स में क्या होता है,
मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, एक बॉक्स रखा है, और ये बाहर रोड पे रखा हुआ, सड़क पे रखा हुआ, और मैंने अब यहाँ पर क्या किया, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, मैं इसको आगे धकेलने की कोशिश कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगी, उस फोर्स की यूनिट होती है 2 न्यूटन। फोर्स की जो यूनिट होती है बेटा, वो न्यूटन होती है ना। जैसे आपका वजन कितना है, मास कितना, मैं कहता हूँ 40 किलो, तो केजी किलोग्राम, तो वो क्या यूनिट है, तो फोर्स किलोग्राम में नहीं निकालते, फोर्स न्यूटन में निकालते हैं, जो मास है वो किलोग्राम में निकालते हैं। तो कितनी फोर्स लगी यहाँ पर, 2 न्यूटन की फोर्स लगी। लेकिन अब आप ये देखिए, जस्ट इमेजिन, देखिए ये बॉटल है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये सड़क पर बाहर इधर फर्श पर रखी है, अब मैं इसको ऊपर, इसके ऊपर स्लाइड करूंगा तो बहुत इजीली स्लाइड हो जाएगी, ये होगी कि नहीं होगी, क्योंकि सरफेस स्मूथ है। लेकिन मैं इसको बाहर रोड पे जाके रखूँ और इसको रफ करूँ तो क्या इतना इजीली स्मूथ होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यहां से अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रही है, जिसको मैं बोलता हूँ फ्रिक्शन फोर्स, और वो भी कितने न्यूटन की लग रही है, मान लो 2 न्यूटन की लग रही है। तो क्या ये अपनी जगह से अपनी पोजीशन चेंज करेगा? बिल्कुल भी नहीं। इधर भी 2 न्यूटन लग रही है और इधर भी 2 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, तो इसकी पोजिशनिंग चेंज नहीं होती है। तो इसका मतलब ये कैसी फोर्स है, ये हमारे पास बैलेंस फोर्स कहलाती है। तो एक चीज समझ में आ गई कि बैलेंस फोर्स के अंदर नो मूवमेंट, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट नहीं होती है बैलेंस फोर्स। अब मैं अगर अनबैलेंस फोर्स के बारे में बात करता हूँ, वही सेम बॉक्स रखा है, सड़क पे रखा है, यहाँ पर मैंने फोर्स लगाई 2 न्यूटन की और यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स 2 न्यूटन की है, तो मूव नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया, ज्यादा फोर्स लगा दी, एक फोर्स और लगा दी 2 न्यूटन, टोटल 4 न्यूटन ये बॉक्स यहाँ से खिसक के यहाँ पहुंच गए। इसका मतलब क्या है, ज्यादा फोर्स लगी है, तो यानी कि अनबैलेंस फोर्स है। और अनबैलेंस फोर्स ही क्या कर सकती है, कैन मूव अ बॉडी। तो दिस इज द बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, ये हमारे पास बैलेंस फोर्स होती है, अनबैलेंस फोर्स होती है, तो दो ही तरीके की फोर्स। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स क्या क्या कर सकती है बच्चों। तो देखो फोर्स क्या क्या कर सकती है वो तो बात की बात है, लेकिन कौन सी फोर्स कर सकती है, बैलेंस फोर्स भी कर सकती है, कुछ भी जो भी करेगी वो अनबैलेंस फोर्स ही करेगी। यानी कि अनबैलेंस फोर्स वो फोर्स है दैट कैन मूव अ बॉडी, दैट कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी जो रुकी हुई है उसको मूव कर सकती है। इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, ये मूविंग बॉडी को क्या कर सकता है जी, यहां पर स्टॉप कर सकता है। चेंज द स्पीड, स्पीड चेंज कर सकता है। चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। स्पीड कैसे, मान लो फुल टॉस बॉल आई, तुक कर दिया, स्पीड धीरे कर दी। डायरेक्शन कैसे, बॉल आई सामने से, हमने खेल दिया ऑफ में, डायरेक्शन चेंज। इट कैन आल्सो चेंज द शेप एंड साइज, चेंज द शेप एंड साइज, ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। ये मारकर हथौड़ा मार मार कर तोड़ दूंगा मैं, फोड़ दूंगा मैं, ठीक है जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, चूरम चूरा कर दूंगा इसका, इसका साइज भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी फोर्स के ये सारे इफेक्ट्स होते हैं। ओके ठीक है भाई, तो ये बात होती, तो ये बात मैंने आपको बताई बैलेंस फोर्स के बारे में, अनबैलेंस फोर्स के बारे में और फोर्स के बारे में। तो अनबैलेंस फोर्स बहुत सारी है, जो हमारा पुश के कारण जो फोर्स होती है वो है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने ऊपर से छोड़ा और वो नीचे आ रहा है, तो अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच गया, अनबैलेंस फोर्स है, यानी यहाँ पर नीचे से फोर्स ज्यादा लग गई उसके ऊपर, तभी तो उसको अपनी तरफ खींच पाया, ठीक है। फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्राउंड का क्या मतलब है, मान लीजिए एक बॉल है और वो बॉल मैंने ऊपर से छोड़ी, टप्पा खा के नीचे से ऊपर आ रही है, नहीं आ रही, मैंने तो ऊपर से छोड़ी, यानी फोर्स तो ऊपर से लगी है, लेकिन हम देखते हैं नीचे से भी एक फोर्स लगती है, तभी तो बॉल टप्पा खा के ऊपर आई है,
तो फोर्स ऑफ जो रिएक्शन है, ठीक है, जो ग्राउंड की है, वो भी हमारे पास बच्चों अनबैलेंस फोर्स आती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, ये बात है हमारे पास फोर्स के बारे में। अब जो बात करेंगे वो हम लॉ ऑफ मोशन के बारे में। देखिए जब लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं तो लॉ ऑफ मोशन प्रपोज करे थे सर इसैक न्यूटन। तो सर इसैक न्यूटन थे, न्यूटन आप लोगों ने नाम सुना ही है, हैज गिवन थ्री लॉ, उन्होंने तीन लॉ दिए थे टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडी, कि किसी भी बॉडी के अंदर किस तरीके का मोशन क्रिएट होता है उसको डिफाइन किया। एंड दीज लॉ आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो इन्हीं को बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोला जाता है। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि द ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, द ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। जो चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, जो मोशन में है मोशन में रहेगी, कब तक? उसके ऊपर फोर्स ना लगे जब तक। यानी द ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट एंड द ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अंटिल when there is no external force is applied on it, कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई भी external force apply नहीं होती। जब तक उसके ऊपर कोई भी external force apply नहीं होती तो जो चीज rest में है वो rest में रहेगी, तो motion में वो motion में रहेगी। This is called the first law of motion, ठीक है। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि ये व्हाइट बोर्ड है, मान लीजिए क्या ये तो है व्हाइट बोर्ड। अब ये व्हाइट बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, आप कल क्लास में आओगे ये कल भी यही मिलेगा, परसों आओगे परसों भी यही मिलेगा, तरसों आओगे तरसों भी यही मिलेगा, और सरसों खाओगे तो भी तुम्हें यही मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा दू, इसको किसका उधर कर दू, तो इसकी पोजिशन चेंज हो जाएगी। लेकिन उससे पहले तो रेस्ट में है, आप 10 साल बाद भी आओगे अगर इसके ऊपर कोई फोर्स लगी यही मिलेगा आप, ये कंफर्म है। आप देखना 2 साल बाद स्कूल जाओगे, है ना, या हो सकता है तीसरे साल बाद, 3 साल बाद, नेक्स्ट ईयर, अभी तो तीसरी लहर आने वाली है। तो जब भी जो बोर्ड जहां टंगा हुआ मिला था ना आपको वही मिलेगा दोस्तों, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, कंफर्म है, गारंटेड, ओपन चैलेंज, कोई फोर्स नहीं, तो रेस्ट में रेस्ट में रहेगा। अच्छा अभी ये फैन चल रहा है यहाँ पर मेरे रूम में क्लास में, ये फैन चल रहा है तो चलता ही रहेगा क्योंकि ये मोशन में है, ये मोशन में रहेगा। अगर लाइट भी चली गई ना तब भी मोशन में रहेगा, ये रुकेगा नहीं, इन्वर्टर लग रहा है मेरे यहाँ पे, समझ गए? और जब तक इन्वर्टर डाउन होगा तब तक लाइट आ जाएगी, लेकिन ये कभी भी इसका मतलब बंद नहीं हो सकता भाई साहब, जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। एक मोटा सा डंडा लिया ऐसे बीच में घुसेड़ दिया, जान लगा के ताकत लगा के, ये रुक जाएगा, लेकिन तब जब फोर्स लगी उससे पहले ये मोशन में है तो ये मोशन में रहेगा, जो चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये हमारे पास हमारा यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कुछ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। देखिए आप लोगों ने कभी कैरम खेला होगा, खेलिए छुट्टियां तो आजकल आप लोग कैरम बोर्ड खेलते, जब तो कैरम बोर्ड खेलते तो आप क्या करते हैं, जो उसकी जो किटियां हैं कॉइन है उनका पूरी बिल्डिंग खड़ी करते थे। आपने स्ट्राइकर से जैसे हिट करा तो कई बार क्या होता है सबसे नीचे वाली गोटी निकल के बाहर चली जाती है और पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी रहती है, ऐसा होता है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब देखो स्ट्राइकर ने टच किया सबसे नीचे वाली को तो वो उसके कॉन्टेक्ट में आई, यानी वो मोशन में आ गई, लेकिन बाकी जो सिस्टम था जो रेस्ट में था वो रेस्ट में ही रहेगा, समझ रहे हैं? बाकी जो सिस्टम रेस्ट में था वो रेस्ट में ही रहेगा। एक और एग्जाम्पल, आपने की एक ग्लास किया कांच और उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड शीट रख दी और यहाँ पर लिख दिया आपने 5 रुपए का कॉइन हैवी वाला, और जैसे ही आपने हिट किया स्ट्राइक किया यहाँ पर धक्के को तो आपने देखा धक्का तो आगे निकल गया, शीट तो आगे निकल गई जो कार्डबोर्ड थी, लेकिन कॉइन था सीधा नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि जो मोशन क्रिएट हुआ वो इसमें, तो जो मोशन लगा है वो इसमें है, तो मोशन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई तो मोशन यहाँ पर गया, लेकिन इसके ऊपर तो टच नहीं हुआ तो यानी रेस्ट में रही,
यानी जो चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं, लेकिन ये मोशन में क्रिएट हो गया, ये रेस्ट में था लेकिन ये मोशन में क्रिएट हो गया तब जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई तब। तो जो चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, जो चीज मोशन में वो मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ये भी रेस्ट में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई तो ये भी हमारे पास मोशन में आ गया। तो इसकी यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की कुछ कुछ एप्लीकेशन है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, हम कहाँ कहाँ इसको कैसे कैसे यूज करते थे। एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको यही दिया है। उसके अलावा जैसे हम कार में सीट बेल्ट लगाते हैं है ना, तो वो क्यों लगाते हैं, ड्राइवर या साथ में और भी लोग होते हैं तो पीछे भी अलाउड है, अलाउड मतलब कंपल्सरी। तो उसमें क्या होता है, अगर कभी भी ब्रेक लगते हैं तो हमारे को झटका ना लगे, हमारे को एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो गाड़ी तो मोशन में थी, हम रेस्ट में अभी एक तरीके से देखा जाए, ठीक है, मतलब मोशन में है, लेकिन जब गाड़ी अचानक से रेस्ट में आई तो हमें नहीं पता, तो हम भी अचानक से रेस्ट में आने की कोशिश करते हैं तो झटका लग सकता, तो झटके से उस फोर्स से उस आर्म से बचाने के लिए हम सीट बेल्ट यूज करते हैं। तो ये भी वही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गाड़ी मोशन में तो हम भी मोशन में, गाड़ी रेस्ट में तो हम भी रेस्ट, ठीक है। और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, यूजेस है, एग्जाम्पल्स है, जैसे आपने देखा मान लीजिए कोई कपड़ा है उसमें धूल मिट्टी जम गई है, तो अब आप जब उसने झाड़ा, उसको जर्क मारा है, डंडे से बीट किया, तो आपने क्या देखा अभी तक रेस्ट में था तो डस्ट पार्टिकल भी रेस्ट में, लेकिन जब आपने उसको झाड़ा या बीट किया तो वो कपड़ा जो था वो मोशन में आ गया, और जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो भी मोशन में आएंगे तो जर्क मार के झटका मार के बाहर आ जाते, दैट इज द सेम थिंग। तो इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन है जो हमारे को पढ़नी है यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के रिस्पेक्ट में, जो हमारी एक्चुअल डाटा की बातें यहाँ पर। तो मैं इस चैप्टर के नोट शेयर करूंगा तब वो आप लोगों से डिस्कस करूंगा और उनके ऊपर क्वेश्चंस भी है हमारे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करने से पहले हमें कुछ कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, जैसे कि एक वर्ड है इनर्शिया, इनर्शिया क्या चीज होती है, मोमेंटम क्या चीज है, एक वर्ड आता है रेसिस्ट क्या चीज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। देखिए हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करें, बट उससे पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जैसे इनर्शिया क्या है, मोमेंटम क्या है, एक वर्ड लिखा रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब क्या होता है। देखो रेसिस्ट का मतलब होता है रोकना, रेसिस्ट मतलब कि रोकना, ठीक है, या अपने अंदर किसी भी तरह के चेंज होने से रोकना, कुछ भी वर्ड हो सकता है रेसिस्ट, ठीक है। इनर्शिया के बारे में हम बात करते हैं, इनर्शिया क्या चीज होती है। सो इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट। इनर्शिया क्या चीज है, इनर्शिया इज That property, inertia is that property that resists a change in its state, जो अपने अंदर किसी भी तरह के चेंज को होने से रोकती है। Inertia is that property of an object that resists a change in its state. Inertia किसी भी object की वो property होती है जो अपने अंदर किसी भी तरह के change को होने से रोकती है। Just example मैं आपको बताता हूँ, देखो अब ये bottle है, ठीक है, ये मैंने हाथ में ऐसे पकड़ी, मैं फूंक मारता हूँ, तो इसके अंदर किसी तरह की कोई movement हुई, नहीं हुई, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, लो जी एक पेज ले लिया यहाँ पर, समझ ना ये है एक पेज, ठीक है जी, ये तो हवा में वैसे उठ रखा है, लेकिन मैं फैन बंद करता हूँ, देखिए आप लोग एक पेज, ठीक है जी, अब ये बिल्कुल नॉर्मल है, फैन बंद हो रहा है, चलिए अब ये
लगभग नॉर्मल। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर इनर्शिया जो इसको रेस्ट में रहने दे रहा है, क्योंकि वो फोर्स है। मैं क्या करता हूँ, देखिए मूवमेंट हो रही है इसके अंदर। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका इनर्शिया कम है और बॉटल का इनर्शिया ज्यादा था। तो इनर्शिया क्या चीज होती है? इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट, जो अपने अंदर किसी भी तरह के चेंज को होने से रोकती है। तो सर इस पेपर में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मास के ऊपर डिपेंड है। बोतल का मास ज्यादा था तो इसका इनर्शिया ज्यादा था, इस पेपर का मास कम था तो इसका इनर्शिया कम था। तो इस वजह से इनर्शिया कम है तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये किसी भी तरह के चेंज को होने से नहीं रोक पाया। तो इसका इनर्शिया कम था तो उसके अंदर मोशन हुआ, उसका इनर्शिया ज्यादा था तो उस मोशन नहीं हुआ। तो इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ दैट रेसिस्ट, जो रोकती है अपने अंदर किसी भी तरह के चेंज को होने से, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, ये सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, मास कम तो इनर्शिया कम। ठीक, चलिए अब मैं बात करता हूँ, रेसिस्ट आपको समझ में आ गया है, इनर्शिया आपको समझ में आ गया, मैं बात करता हूँ मोमेंटम के बारे में कि मोमेंटम क्या चीज है, व्हाट इज मोमेंटम। तो अगर टेक्निकल डेफिनेशन पे जाए तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के यानी मल्टीप्लाई के बराबर होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम को देखो हम डिनोट करते हैं पी से, जो बराबर है एम इंटू पी। तो मैंने बताया मोमेंटम क्या है, दिस इज द मोमेंटम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर है मोमेंटम। तो ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है, ये हमें समझ में भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। मास की मुझे पता है, वेलोसिटी की मुझे पता है, मोमेंटम इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर। लेकिन प्रैक्टिकल मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, वो समझ में नहीं आया, है ना। मैं आपसे बोल देता हूँ कि भैया अन्नपूर्णा छोले भटूरे वाले के छोले भटूरे कितने टेस्टी, बहुत बढ़िया है, मजा ही तो आ जाता है, और उसकी चटनी भी लाजवाब है। तुमने कभी खाए जिंदगी में? आप कह रहे हो नहीं। तो आपको सुन के तो लग रहा है, लेकिन क्या उसका टेस्ट आपकी जुबान पे आ सकता है? जब तक आप उसको टेस्ट ना करो, जब तक आप खाओ ना, नहीं। तो जब तक खाओगे नहीं तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो लेकिन ये पता चल गया, हाँ टेस्टी जरूर है, क्योंकि कुलदीप सर ये बात बोल रहे। तो मुझे ये भी पता चल गया मोमेंटम क्या है, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर, लेकिन फील नहीं आया कहने का मतलब। तो देखो मैं आपको बता दूं मोमेंटम क्या चीज होती है। मोमेंटम इज बेसिकली द पावर ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के मोशन की पावर को मोमेंटम बोलते हैं। देखिए रुकिए, ये देखिए मोशन हो रहा है इस हाथ में, और अब ये देखिए, तो कौन से हाथ में मोशन ज्यादा है, इस वाले में या इस वाले में, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? तो सेकंड वाले में मोशन ज्यादा है, इसका मतलब कि इसका मोमेंटम भी ज्यादा है, यानी द पावर ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के जो मोशन की पावर है, इसके मोशन की पावर कम होगी और इसके मोशन की पावर ज्यादा होगी। आप अपना एक फैन चल रहा है, रेगुलेटर के हिसाब से आपने उसको 2 पे सेट करा हुआ है, तो हवा कम लगेगी। आपने उसको 6 पे, 7 पे, 5 पे सेट कर दिया तो हवा ज्यादा लगेगी, क्योंकि पावर ज्यादा है, आरपीएम ज्यादा है। आरपीएम मतलब कि रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में 1000 रोटेशन हो रही है 5 पे सेट करने के बाद, और 2 पे सेट करने के बाद सिर्फ 500 ही रोटेशन हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है हवा कम लगेगी। तो कहने का मतलब है द पावर ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी के मोशन की पावर को हम मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम क्या है, बेसिकली पावर ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी के मोशन की पावर को हम मोमेंटम बोलते हैं। जैसे आपने WWE देखती हो कभी, है ना, फाइट लाती है, देखा होगा जैसे कोई को थप्पड़ मारता है, पहले यूं हाथ करता है, ऐसे हाथ ले जाएगा पीछे में और फिर मारेगा, ऐसे थोड़ी खड़े खड़े पट मारते हैं, नहीं। इससे क्या होता है, रैप्टर थोड़ा तेज लगता है, जब लात मारते हैं तो ऐसे जमीन पर उसको 2 बार 3 बार पटकते हैं, फिर उसको उछालते हैं। क्यों? सामने वाले के ऊपर। क्यों? क्योंकि उससे मोमेंटम क्रिएट होता है, तो फोर्स जो होती है वो थोड़ी सी वहां पर ज्यादा लगती है। सो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंटम।